भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के हर चरण में हिंसा हुई है। मेरे रोड शो से पहले ही बैनर और पोस्टर हटाए गए। शाह ने कहा कि ममता जी को बताना चाहता हूं कि आप सिर्फ 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं और भाजपा देश के सभी राज्यों में चुनाव लड़ रही है, मगर कहीं पर भी हिंसाएं नहीं की गई। लेकिन बंगाल में हर चरण में हिंसा हुई और इसका साफ मतलब है कि हिंसा टीएमसी करवा रही है। ये बात भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कही। शाह ने कहा कि टीएमसी के गुंडों ने ही उनकी बाइक और गाड़ियां जलाई। अगर कल सीआरपीएफ नहीं होती तो उनका जिंदा निकलना वहां से मुश्किल था। अमित शाह ने भाजपा के मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि बंगाल में हर चरण में हिंसा हुई है और इसका साफ मतलब है कि हिंसाएं टीएमसी करवा रही है, और साथ ही ये भी कहा कि अगर सीआरपीएफ नहीं होती तो मेरा वहां से जिंदा निकलना मुश्किल था। कि आप सिर्फ 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी देश के हर राज्य में चुनाव लड़ रही है और हर राज्य में अलग अलग पार्टियों के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, स्थानीय दलों के खिलाफ हमारा मुकाबला है, मगर कहीं पर भी